एंड आई डोंट प्ले कीज दैट वेल, मैं उतना अच्छा कीज नहीं प्ले करता. सो आई ऑलवेज आई गेट इंस्पायर्ड बाय, अगर कोई पियानो लूप है या कुछ गिटार लूप है अगर वो मुझे मिल जाता है तो आई स्टार्ट क्रिएटिंग समथिंग. सो वन फाइन मॉर्निंग आई गॉट अ ब्यूटिफुल पियानो लूप मिला एंड आई वॉज जस्ट हमिंग. और ये ऐसा होता है कि आई सिट एंड आई जस्ट हम अलोंग, देयर इज दिस माइक्रोफोन यहाँ पर ऐसे हमेशा मेरे बाजू में रहता है, आई सिट हियर एंड आई सिंग, और मेरे दिल के अंदर जो आता है आई स्टार्ट सिंगिंग. सो आई रिमेम्बर एक सुबह मैंने ऐसे ही एक पियानो लूप पर आई मेड समथिंग. सो वो दैट्स द फर्स्ट स्क्रैच ऑफ मुझे खोने के बाद एक दिन तुम मुझे याद करोगे, दैट बाद में चेंज हुआ. सो दैट वाज द फर्स्ट स्क्रैच ऑफ तेरा जिक्र जिसका नाम अलग था. सो आई वाज थिंकिंग सो आई विल मेक यू हियर, दिस इज समथिंग व्हिच आई मेड, इसके अंदर लिरिक्स अलग है. सो जब व्हेन आई एम कंपोजिंग द फर्स्ट स्क्रैच आई मेक, स्क्रैच इज समथिंग वेरी रॉ रफ, एकदम बेकार गाया हुआ है मैंने, इट्स समथिंग व्हाट आई फील. और जब व्हेन आई वाज मेकिंग इट तो आई राइट समथिंग व्हिच इज रफ. सो आई एम गोना मेक यू हियर दैट how the song started, tera zikr shuru kaise hua. So yes, let's hear this. I hope everybody can hear. Dipanshi, hi. So that was the ala pehle, this was the ala which was there. That's the first scratch that I made. और फिर क्या होता है, whenever I make a song, मैं खुद उसको सुनता हूँ, बहुत बार सुनता हूँ उस गाने को. So अगर if I get bored, तो मुझे 100% पता है कि आप लोग भी बोर हो जाएंगे. So पहले it should मुझे अच्छा लगना चाहिए, I should really like it, and then I sleep over the song. Next day सुनते हैं, उसके बाद हफ्ता कंटिन्यूस आई लिसन टू दैट सॉन्ग. उसके बाद ऐसा होता है आई स्टॉप लिसनिंग टू दैट सॉन्ग 10 दिन के लिए, फिर सुनते हैं. अगर इफ इट इज इट हैज द पोटेंशियल यू विल कैच ऑन टू इट. सो हियर्स दिस मेल, आई विल शो यू गाइस. सो ये मैंने बनाया एंड आई सेंड इट टू नौशाद भाई, दैट्स द मेल. और मैंने ये गाना नौशाद भाई को भेजा एंड ही कॉल्ड मी बैक, बोले इट्स अ बिग सॉन्ग दर्शन. मैंने कहा कि अभी तो बहुत रफ है, आई एम गोना चेंज दिस एंड ये. उन्होंने कहा लिरिक्स में अभी गुंजाइश है थोड़ी सी, तो उन्होंने कहा कि लेट्स गेट तुराज भाई के साथ हम बैठते हैं उनके साथ, लेट्स जैम. सो देन वी कॉल्ड तुराज भाई घर पे आए एंड वी वर सिटिंग. और जब उन्होंने जो हुक था यहाँ पर, इट इज मेरे जाने के बाद मुझे तुम क्या याद करोगे, तो तुराज भाई ने बहुत अच्छी लाइन मुझे कही जो मुझे याद रहेगी. उन्होंने कहा कि आशिक कभी पूछते नहीं, वो बताते हैं. सो ये लाइन आप पूरा गाना आपका आशिकी वाला है. यहाँ पर आप किसी से बहुत बेइंतहा मोहब्बत कर रहे हैं, तो आप कभी पूछेंगे नहीं, आप बताएंगे. और वहां से शुरू हुआ. और फिर उन्होंने लिखा मुझे खोने के बाद एक दिन तुम मुझे याद करोगे, फिर देखना मुझसे मिलने की तुम फरियाद करोगे. दैट्स हाउ द सॉन्ग स्टार्टेड. So the first half of the song is all about the current situation. The second half is the person is remembering the memories he had and what he really feels. Uske baad, jaise lyrics shuru hue, I called Siddharth bhai. Siddharth bhai ko maine kaha, I always call him the moment I make a song. We sit, we jam,
एंड देन ही हम लोग बैठे एंड वी स्टार्टेड मेकिंग द सॉन्ग. आई विल मेक यू हियर. उसके बाद हाउ इट वाज टू साउंड साउंडिंग. Let me tell you, lot of people worked on this song. बहुत सारे लोगों ने काम किया है इस गाने पर. बहुत सारे लोगों ने. Just a second, let me just. So afterwards, this song started sounding like this. बहुत वर्क किया हमने. वी स्टार्टेड मेकिंग डिफरेंट वर्जन्स एंड आप देख रहे होंगे कि थोड़े थोड़े कहीं कहीं लिरिक्स चेंज हुए हैं. वी केप्ट ऑन रिफाइनिंग इट. बहुत सारे वर्जन्स हमने बनाए. दिस वन इज वेरी बहुत खाली सा है. जस्ट द ग्रैंड पियानो प्लेइंग. बट वी हैड टू मेनी वर्जन्स ऑफ दिस सॉन्ग. वी हैड इंडियन. ये हम बहुत बहुत ज्यादा. एंड देन वी द लास्ट वर्जन वी स्टक वॉज द रिप्राइज्ड वर्जन. जो रिप्राइज्ड वर्जन है वट सिद्धार्थ भाई मेड, जिसके अंदर शशांक played flute, Shashank Gupta played the flute and Winnie played guitars. हम गए स्टूडियो में with just एक कीबोर्ड, एक पूरा पियानो लूप लेके we went to the studio. हम लोगों ने फ्लूट डब किया, गिटार्स डब किए, वोकल्स डब किए and we were happy with that. हम लोग बहुत खुश थे. And then we went to Sony Music and I think things started changing. A bigger team got involved और हम सब लोग involved हुए. And then there was one question mere upar, ye question tha ki jo last version reprised version tha waise us tarah ka music genre I have already given to audience ko maine wo already main de chuka hu. So they said ki let's do something. The melody is very Indian, very Bollywoodish. So iske andar piche let's make a very urban music. Let's get some urban music production. So I remember Abhishek Patil working over the song. और फिर ये गाना प्रोड्यूस किया. फाइनली द मेन वर्जन वाज प्रोड्यूस बाय सौरभ रॉय. बहुत टेक्निकल चीजें मैं बता रहा हूँ बट इट इज द स्टोरी एंड आई नीड टू टेल बिकॉज इट इज द डे टू डे. सो फिर दो वर्जन हुए फाइनल. वन वाज द रिप्राइज्ड एंड वन वाज द अर्बन स्पेस व्हाट यू गाइस हियर. और फिर बहुत हमारी बहस चली थी आई रिमेम्बर टीम के साथ. आई सेड नहीं, आई वॉन्ट दिस रिप्राइज वर्जन टू बी द मेन वर्जन. और उन लोगों ने कहा कि लेट्स ट्राई दिस अर्बन स्पेस, वो ज्यादा कनेक्ट होगा. और फिर हम लोगों ने 100-150 लोगों को बुलाया था ऑफिस पर, सोनी म्यूजिक के ऑफिस पर. हम सबको दोनों वर्जन प्ले किए थे और हमने डिसाइड किया था कि वट एवर द मेजोरिटी कम्स, जो मेजोरिटी लोगों को अच्छा लगता है वो हम सिलेक्ट करेंगे. सो देन 60% रेशियो वॉज द न्यू इट साउंड एंड 40% जो मेरे जैसे थे जिनको
रिप्राइज्ड वाला फील अच्छा लगता है वो लोगों का उन लोग दे लव दैट एंड दैट्स हाउ वी वेंट अहेड विद द अर्बन सॉन्ग. हमने डिसाइड किया था कि हम इसको विल रिलीज इट लेटर बिकॉज आई यूज्ड टू लव दैट वर्जन. एंड देन चीजें शुरू हुई. वी मेट अभिषेक सिन्हा जिसने हु हैज डायरेक्टेड द सॉन्ग. हम लोगों ने मिलना शुरू किया. वी स्टार्टेड डिस्कसिंग व्हाट आई फेल्ट व्हाइल आई वाज मेकिंग दिस सॉन्ग एंड दैट्स हाउ एवरीथिंग स्टार्टेड. एंड आई देन आफ्टर माय बर्थडे आई वेंट टू सिंगापुर विद माय पेरेंट्स. मेरे मॉम डैड के साथ आफ्टर 4 years आई वाज गोइंग ऑन अ हॉलीडे ट्रिप. तब मैंने मेरी मॉम को और मेरे डैड को ये गाना सुनाया था द रिप्राइज वर्जन एंड दे लव्ड इट. माय मॉम यूज्ड टू एवरी मॉर्निंग हम लोग उठते थे. माय मॉम यूज्ड टू टेल मी के अरे प्ले दैट सॉन्ग. नो प्ले दैट सॉन्ग मुझे खोने के बाद द्वारा सॉन्ग प्ले करो. आई यूज्ड टू प्ले दैट सॉन्ग एंड आई केम बैक और हम लोगों ने ये गाना शूट किया एंड वी रिलीज दिस सॉन्ग. एंड सो That's a little small story how the song was made and how the song came to you. And 9th November ko humne gana ab tak pahunchaya. And then slowly this song became huge. It really became huge. And that is all because of aap logo ne is gaane ko bahut 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 bada hit kar diya.